वेलकम बैक टू श्रीमत। आज जैसा कि आप सबको मेरी पिछली स्कार्फ वाली वीडियो अच्छी लगी थी, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी शॉल को बांधने का नया तरीका। अब देखो, जो आम शॉल होता है वो ऐसा होता है, अब जब ठंड में कुर 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 होती है अब तो सिर पे लोगे अगर ऐसे, तो बेचारा क्या, ये बीच में से हवा जाएगी, हवा है ना। और अगर घूंघट ले लोगे तो देखोगे कैसे भाई, ऐसे कर घूंघट लेने से। तो इसीलिए गरम चादर या लोई होती है वो शॉल से थोड़ी बड़ी होती है। हाँ, आप शॉल को भी वैसे ले सकते हैं, जो वो मैंने छोटा वाला भी आपको दिखाया था, उससे भी मैंने ट्राई किया था, हो जाता है। अब देखो, ये है एक लोई, इसको हम ऐसे रखेंगे। और ये बांधने का तरीका मुझे मेरे नाना जी ने सिखाया था। ऐसे रखा हमने पीछे से, ये थोड़ा सा छोटा रखा, और इसको दबाएंगे हम मुंह में। फिर हम उसे घुमा देंगे, ऐसे घुमा के हम एडजस्ट करेंगे, और उसको एडजस्ट करेंगे ऐसे। फिर उसे ऊपर से उगल लेंगे, आगे ले आके इसको ऐसे पकड़ के दोनों साइड से। जैसे मैंने मैंने एक ही एंड जो यहाँ से शुरू हुआ था वो ये है, उसको मैंने पूरा घुमा के यहीं पे वापस लेके आई हूँ। तो हमने उल्टा नीचे कुछ नहीं किया, और हम फिर इसे नॉर्मल जैसे ऐसे टाइट करने के बाद इसको ऐसे ले लेंगे। एंड देन यू आर सेट टू गो ऑन योर बाइक, या आग सेकते हुए, या फिर नाचो नाचो हिल हिल के नाचो नाचो। एकदम गर्म रहता है ये और मजा आ जाता है। यू कैन डू एनीथिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और हाँ, जाते जाते मैं आपको एक और चीज सिखा देती हूँ। अब जैसे ये है, अगर आप इसको मेरी पिछली वीडियो के जैसे बांधना चाहें, जैसे मैंने मुंह को पूरा बंद किया था, वैसे भी कर सकते हैं ऐसे। तो इससे क्या रहेगा, आपका नाक मुंह वो सब गर्मा गर्म रहेंगे, कुरकुराती ठंड में भी। इसको ऐसे घुमा लीजिए और घुमा के इसको पिन कर लीजिएगा, तो ये खुलेगा नहीं।